स्नान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आइए नज़र डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोनाडा राम ने वाजे किया कि पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में कमी करने तक वो जदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत उन अफराद की मदद करने में नाकाम रही जो कोविड की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों पर जोर दिया कि वो मोदी हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ जदोजहद करेंगे। हिंदुस्तान में पहली मरतबा तेलंगाना के जिले विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम के तहत फिजा से कोरोना वैक्सीन और दवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इस रिहर्सल प्रोग्राम का विकाराबाद के पुलिस परेड ग्राउंड में यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और IT मिनिस्टर तेलंगाना के तारक रामाराव ने इफ्तिताह किया। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम के जरिए इमरजेंसी में मेडिसिन और वैक्सीन दूर दराजी इलाकों तक पहुंचाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। पुराने शहर के फलकनुमा ब्रिज की तामीर में मुसलसिल देर होने के नतीजे में आवाम को मुश्किलात पेश आ रही है, लेकिन इस मरतबा बालापुर गणेश और मरकजी जुलूस को भी इससे मुश्किलात पेश आ सकती है। पुलिस और GHMC के अहदेदारों ने मरकजी जुलूस के रुख को मोड़ते हुए कंडिकल गेट, फ्लाईओवर ब्रिज, लाल दरवाजा और शाली बंडे से गुजरने के इंतजाम कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत 24 घंटे बिजली की सप्लाई का दावा कर रही है, लेकिन शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके शाली बंडा, खाजीपुरा, खिलवत, फलक नुमा, मिश्रीगंज और दीगर इलाकों में रात देर गए 2 घंटों से ज्यादा लाइट बंद रही। पुराने शहर में लाइट बंद होना रोज का मामूल बन गया है और इस पर कोई तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से दिन के अलावा रात देर गए भी लाइट बंद होने लगी है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। बार बार लाइट बंद होने से ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पुराने शहर से कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी जानिब तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा जारी है। उन्होंने आज जिले संगारेड्डी के संगूपेट से इस यात्रा का आगाज किया। बंडी संजय ने वाजे किया है कि रियासत के अवाम में भरोसा और खुद एतमादी पैदा करने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा शुरू की गई है। फॉरेस्ट मिनिस्टर तेलंगाना इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अहदेदार और अहलकार जंगल के वसाइल की हिफाजत के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। जंगलात के वसाइल के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वाले अफराद को याद करते हुए उन्होंने शहर हैदराबाद के जू पार्क में तामीर की गई यादगार पर फूल निचावर किए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 21 अहदेदार और अहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। शहर हैदराबाद के सईदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी में कल कमसिन लड़की की असमत रेजी के बाद कत्ल का वाकया पेश आया था, जिसके नतीजे में मुकामी अफराद के हुए शदीद एहतजाज ने इलाके को दहला कर रख दिया था और कशीदगी फैल गई थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। मुलजिम राजू जिले यादादरी भुनगिर में छुपा हुआ था। सिटी पुलिस की खसूसी टीम ने राजू को गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल किया। शहर हैदराबाद में पुलिस ने नकली नोट चलाने वाली गैंग का पता चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया। गैंग के ये मेंबर्स नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि इस गैंग के 5 मेंबर्स का ताल्लुक तेलंगाना के जिले करीमनगर से है। माली मुश्किलात की वजह से बैंक में चोरी करने वाले जोड़े को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इस जोड़े ने शहर हैदराबाद के गच्चीबोली में वाके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में चोरी की कोशिश की थी। ये वारदात 3 दिन पहले पेश आई थी।
बाइक में छोटा सांप घुस गया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए हलचल मच गई और तमाम लोग हैरत ज़दा हो गए। ये वाकया तेलंगाना के ज़िले यादादरी भुवनगिरि में पेश आया। ज़िले के किसान नगर में एक प्राइवेट दूध की डेयरी के मालिक की टू व्हीलर में अचानक सांप नजर आया, जिसके बाद डेयरी के मालिक ने सांप को पकड़ने वाली टीम को इतला दी। तेलंगाना के जिले मुलुक में 7 साल से बंद बिल्ट फैक्ट्री को खोलने का मुतालिबा करते हुए वर्कर्स ने एहतजाजी रैली निकाली। ये कंपनी जिले के मंगापेट मंडल में वाक़े है, जो 7 साल से बंद है। इस कंपनी को दोबारा खोलते हुए इनको रोजगार देने पर जोर देते हुए वर्कर्स ने जिले मुलुक से इस रैली का आगाज किया, जो हैदराबाद में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन को पहुँचेगी। खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।